इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। जैसे जैसे विज्ञान का दायरा बढ़ा है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या है, इसके अंदर क्या है, ऐसे ना जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिल पाया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की व्यापक तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेंट्रे ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई और तब से ही ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था और बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से ही सफुर्द होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक की ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर ये कितना सच है इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर विरोध हैं। ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। और ये थी ब्रह्मांड की शुरुआत की रहस्यमय कहानी, और जल्द ही नई कहानियों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।